हमेशा वही कौमें जिंदा रहती हैं जो अपने हीरोज़ को अपनी यादों में ताज़ा रखती हैं। इमरान खान भी इन्हीं मुहिब्बे वतन लोगों में से एक है जिसने अपनी मुसव्वरी के जरिए 1965 और 71 के शहीदों की तस्वीर में रंग भरा है। जेब खाली होने पर इसे किसी गैलरी में तो नुमाइश की इजाज़त ना मिली, मगर इसने सड़क किनारे ही सब्ज़ हिलाली परचम और तस्वीर सजाकर अपने इस शौक़ को पाया तकमील तक पहुँचाया। इसका एक्चुअली मकसद है जश्न आज़ादी 14 अगस्त के वाले से, ये जो हमारे जवान हैं जो मुल्क के लिए शहीद हुए हैं, और जो हालात में इस वक्त हमारा मुल्क है, अगर कल को कोई भी मसला बनेगा तो हम इन शहीदों की तरह अपनी जान दे देंगे मुल्क खातर और पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान का कहना है कि राशिद मिन्हास, अजीज भट्टी, मोहम्मद हुसैन शहीद, एमएम आलम खान, शब्बीर शरीफ और लाइक खान तो वो नाम हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी और शुजात से नई तारीख रकम की है। ये 14 अगस्त के हवाले से मुझे अपने बुजुर्गों की जो शहादतें हुई हैं उनकी तस्वीर याद आती है, उनकी याददाश्त, उनका खून, हर चीज़ याद आती है। कायद आज़म मोहम्मद अली जीना की और जो हमारे फौजी शहीद हुए हैं जिन्हें निशान हैदर मिला है, उनकी बहुत अच्छी तस्वीर है बनाई। जो कौमें अपने हीरोज़ को अपने लिए मशले राह बनाती हैं वही आज़ाद फ़जाओं में आज़ादी के साथ सांस लेने की मुस्तहक करार पाती हैं। वतन की सरहदों की हिफाजत करते हुए शहादत के आला दर्जे पर फाइज होने वाले इन सपूतों की तस्वीर को देख कर पूरी कौम में हुब्बुल वतनी का नया जोश और बलबला पैदा हो जाता है। एजाज अलवी, एक्सप्रेस न्यूज़, फैसलाबाद।